जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी मैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हूँ और आज हम लोग की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है इंडिया की फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। जी हाँ, ट्रेन नंबर 20172 भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि वीक में 6 दिन चलती है, सैटरडे को छोड़कर, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, दोपहर में 2:40 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको सेम डे रात में 10:10 पे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और आज इस ट्रेन में हम लोग की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है सीसी कोच में। कोच है C3 सीट है एक। वैसे वंदे भारत में दो तरह का कोच होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच और एक होता है सीसी कोच। एग्जीक्यूटिव क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो 2x2 का होता है और सीसी में जिसमें मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ 3x2 का होता है। फेयर का डिफरेंस लगभग दोगुना है, जितना फेयर आप दीजिएगा सीसी कोच में उससे डबल आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में फेयर देना पड़ सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि लेग स्पेस वगैरह आपको अच्छा खासा मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है एग्जीक्यूटिव क्लास में। वैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में हम ट्रैवल करके आपको दिखा चुके हैं। और हाँ, रही बात वंदे भारत की इंटीरियर की, तो कई बार हमने आपको दिखाया है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर मेरा दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इस ट्रेन की पूरी इंटीरियर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। टाइम हो रहा 2:40 और अपनी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम हो चुका है। तो ट्रेन निकलते ही सबसे पहले आपको दिया जाएगा ये न्यूज़पेपर, साथ ही ये 1 लीटर पानी का बोतल और ये कप पानी पीने के लिए। फ्लैट 160 पे चल रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:40 और अभी सभी पैसेंजरों को स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यह है इस ट्रेन का स्नैक्स जिसमें आपको मिल जाएगा ये गर्मा गर्म कचौड़ी, मुरुक्कू और मीठा में पेठा, आगरा का फेमस मिल जाएगा, एप्पल जूस, मसाला चाय और साथ में सैनिटाइज़र। सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं मुरुक्कू, ये मिला है स्नैक्स में, काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये नमकीन लगता है और सही है। और साथ ही दिया गया ये कचौड़ी, ये भी बिल्कुल गर्मा गर्म है, भाई साहब एक नंबर, काफ़ी सॉफ्ट है। और मीठे में दिया गया है आगरा का फेमस पेठा। तो चलिए फटाफट हम लोग स्नैक्स को कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई लगभग 188 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AGC और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे आगरा कैंट में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 4:20 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 5 मिनट डिले। वैसे अपनी जो ट्रेन है ना, टोटल 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है 7:30 में 3 हॉल्ट के साथ। आगरा कैंट के बाद ट्रेन रुकेगी ग्वालियर, उसके बाद झांसी। ये है इस ट्रेन का मिनी पेंट्री जिसमें आप देख सकते हैं हॉट केस है, डीप फ्रीजर है, तो डीप फ्रीजर में वो जूस वगैरह पानी का बोतल वगैरह रखा हुआ है, ये देखिए हॉट केस जिसमें कचौड़ी वगैरह रखा हुआ है, ये भी हॉट केस है, इसमें भी कुछ नहीं है। और सामने हॉट वाटर बॉयलर है, चाय वगैरह के लिए यहाँ से जो है ना पानी लिया जाता है। तो अभी कुछ देर पहले आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुकी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ IRCTC के स्टाफ थे वो बाहर ही छूट गए। जब भी आप इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक गेट है, तो बेवजह तो पहले बाहर निकलिए नहीं। हम लोग भी मतलब कितना मुश्किल से 2 मिनट का हॉल्ट आता है, फटाक से निकलते हैं, एक टेक में वीडियो बनाते हैं, फट से अंदर आ जाते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ था ये सोलापुर वंदे भारत में, हम भी बाहर ही छूटने वाले थे, ठीक है, इसलिए रिस्क ना ले, जब भी ट्रेन में जर्नी करें बेवजह बाहर ना निकले।
ये अपना चाय बन के तैयार हो चुका है। वैसे अगर आपको एक्स्ट्रा चाय वगैरह लेना है इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। एक चाय का कितना पे करना पड़ेगा? 15 रुपया। इस चाय का आपको पड़ेगा 15 रुपया। भाई साहब एक नंबर चाय वाला। वैसे हम लोग जब चाय बनाते हैं ना वो पाउडर वगैरह डाल के, ऐसा नहीं बनता है, पता नहीं ये लोग कैसे बनाता है। काफ़ी बढ़िया, मज़ा आ गया। लगभग 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, ग्वालियर रेलवे स्टेशन। यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे ग्वालियर में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 5:45 और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 5 मिनट बिफोर। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 14 CC कोच के साथ और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच के साथ। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड, मतलब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच में इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सीसी कोच में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1665 रुपीज़। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 3120 रुपीज़, मतलब 3120 रुपया। और इसी प्राइस में कैटरिंग चार्ज इंक्लूड है, मतलब स्नैक्स और डिनर आपको मिलेगा। बिल्कुल ऑन टाइम गेट क्लोज हुआ है। वैसे ये रहा फुट रेस्ट, ये मैगजीन सॉकेट, ये रहा ट्रे जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह आप कर सकते हैं, साथ ही ये रहा बोतल होल्डर और नीचे ये रहा चार्जिंग पोर्ट। वैसे हर कोच के बाहर में आपको फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाएगा, साथ ही इधर आपको मिलेगा इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट। इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसे प्रेस करके लोको पायलट, मतलब कैब में जो पायलट रहते हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। फर्स्ट एड किट में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिल जाएगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा ये बैंडेज है, साथ ही ये स्किन क्रीम है और ORS, ये ORS का पैकेट वगैरह भी इसमें डला हुआ है। ये बैंडेज हो गया और कुछ मेडिसिन इसमें रखा हुआ है, ये सही चीज़ लगा मुझे। तो भाई लगभग 410 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी रेलवे स्टेशन। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। वैसे अपनी ट्रेन का वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है शाम के 7:03 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट बिफोर, मतलब आप समझ सकते हैं ट्रेन अभी 10 मिनट बिफोर चल रही है। वैसे ही वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी रेलवे स्टेशन से डिनर वगैरह सर्व किया जाएगा और जो भी पैसेंजर यहाँ से बोर्ड करेंगे उन्हें भी डिनर दिया जाएगा। वैसे आपको झांसी में आप देख सकते हैं VIP वेटिंग रूम मिल जाएगा देखने को, लॉन्च वगैरह भी है और ये रहा स्टॉल जहाँ से आप ले सकते हैं पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, चिप्स। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो भाई कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है स्टेशन से, हर फैसिलिटी आपको इस ट्रेन के अंदर ही मिलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 20172 वंदे भारत एक्सप्रेस उसी समय पश्चात झांसी स्टेशन से रवाना होने वाली है, इसके डोर क्लोज होने वाले हैं, कृपया डोरों से दूर रहें, धन्यवाद। तो भाई ये है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास जिसका सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो होता है 2x2 का। और
हाँ वीडियो कॉल कीजिए। क्या हाल है अर्नब, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और बताओ वीडियो कैसा लगता है? चलो अब पापा से मिलने का मौका मिला, लेकिन तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब कभी मौका मिलेगा भोपाल आने का तो फिर मुलाकात करेंगे तुमसे, ठीक है? इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? हाँ तो आप मुझे मैसेज कर देना आप, ठीक है? हाँ सर मत बोलो, भैया बोलो, सर मत बोलो। बस कल सुबह में आ जाएगी 10 बजे। इनके बारे में भी डाल देना आप। हाँ तो आप एक मिनट, व्लॉग बन रहा है, कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने एक फैमिली मेम्बर है, देख लीजिए इनसे। तो अभी ये मतलब बहुत दिन से वीडियोस वगैरह देखते हैं, आज मतलब इनके पापा मिले तो इनसे बातचीत हो रही है वीडियो कॉल पर, लेकिन बहुत जल्द इनसे मुलाकात भी करेंगे। चलो भाई ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक है? पढ़ाई करो पढ़ाई। ओके चलिए ठीक है, काफ़ी मिलकर अच्छा लगा, और कहिएगा उनको मैसेज करने के लिए, अगर भोपाल आएंगे तो मिलेंगे आपके बेटे से, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू। तो अभी टाइम हो रहा है 7:50, तो अभी सभी पैसेंजरों को डिनर दिया जा रहा है। तो पहले सभी पैसेंजर को वेज दिया गया और अभी नॉन वेज दिया जा रहा है। इस वंदे भारत में आपको डिनर में मिलेगा, अगर आप वेज सेलेक्ट करते हैं तो ये दाल देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और साथ ही ये मिलेगा पनीर कोफ्ता, पहली बार मैं ट्राई करूंगा किसी ट्रेन में ये पनीर कोफ्ता, साथ ही राइस है, दही है, दो पराठा है, ये पिकल है, सैनिटाइज़र है, और ये अगर आप नॉन वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको चिकन मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे दाल, देखते हैं दाल कैसा है, और भाई दाल का थिकनेस तो एक नंबर है, देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है दाल, और सबसे बड़ी बात है ना बिल्कुल गर्मा गर्म है। और ये है पनीर कोफ्ता, जिसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, किसी ट्रेन जर्नी के दौरान हमने आज तक कभी पनीर कोफ्ता खाया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मिला है किसी ट्रेन में। भाई अल्टीमेट, मतलब इसके आगे सब फेल है, बहुत बढ़िया, सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसा खाना, मतलब ऐसा पनीर कोफ्ता हमने आज तक कहीं खाया ही नहीं है भाई, काफ़ी बढ़िया, मज़ा आ गया। और ये है राइस, दही है, और स्वीट्स में दिया जाएगा आइसक्रीम, जो कि लास्ट में दिया जाएगा डिनर करने के बाद। और पूरी थाली में मुझे सबसे बेस्ट लगा ये पनीर कोफ्ता भाई, इसका कोई जोर नहीं है, बहुत ही शानदार। और ये है चिकन, और ये है चिकन ग्रेवी, जिसमें दो चिकन का पीस दिया गया है, और साथ ही ये ग्रेवी, ग्रेवी भी सही लग रहा है। तो भाई चिकन कैसा लगा ये बताओ? चिकन बढ़िया था, पहली बार डिनर से खाना खाया मैंने, इससे खुश हो गया था। सही है, इससे पहले त्रिवेंद्रम राजधानी में भी तुम, वो तो बहुत बेकार खाना था भैया, आपको भी पता होगा कैसा था, इस खाने की टेस्ट की बात करें ना, घर जैसा खाना है, बहुत गरम गरम खाना है, पहली बात चावल भी बहुत बेहतरीन है, रोटी भी गरम मिली है अपने को, और चावल भी गरम, चलो सही है, सब बढ़िया है। भाई थाली देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रेन का खाना कैसा है, ये देखिए एक नंबर, साथ ही खाने के बाद अभी जस्ट मिला ये अमूल का आइसक्रीम। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट बगल में आपको एक टॉवल होल्डर, और ये रहा सोप डिस्पेंसर, साथ ही यहाँ पे आपको हैंड ड्रायर देखने को मिलेगा, ये रहा वाटर डिस्पेंसर, प्यारा सा ये सिंक है, और ये रहा डस्टबिन। चीज़ हमने नोटिस किया है, जितनी भी वंदे भारत में हमने ट्रैवल किया है ना, तो वॉशरूम में ना फ्लश वगैरह लोग बहुत कम करते हैं, पता नहीं शायद उन्हें पता नहीं होता है या क्या रीज़न होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वॉशरूम यूज करें फ्लश ज़रूर करें।
ये देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह लिखा हुआ है फ्लश के लिए दबाए, फिर भी लोग फ्लश नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए इसे आपको प्रेस करना है। तो इस ट्रेन में विशाल भी ट्रैवल कर रहा था एग्जीक्यूटिव क्लास में, और अपने गणेश भाई ट्रैवल कर रहे थे सीसी कोच में। कौन सा कोच था? C14 था, मतलब सबसे लास्ट में ना, सबसे फर्स्ट में। हाँ अच्छा, ये बताओ कि भाई खाना कैसा लगा? वेज थाली ट्राई किए थे? हाँ वेज थाली। कैसा था खाना? देखिए नो डाउट भैया, सबसे अच्छा खाना तो मुझे लगता है इसी वंदे भारत में मिला है। और जो आप बताए थे पनीर का जो कोफ्ता था वो सच में काफी अच्छा था, और कुछ नया करने का रेलवे ट्राई किया। हाँ, है। और सच में मतलब लाजवाब था, मतलब खाने की तारीफ जितनी की उतनी कम है, मेरे पास सब नहीं, आई हैव नो वर्ड्स। ओके, तो विशाल ट्रैवल कर रहा था एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो भाई हम पूछेंगे खाना कैसा लगा ये बताओ। तो भाई एग्जीक्यूटिव में खाना बहुत जबरदस्त था। क्या लिया? वेज थाली, नॉन वेज? हमने प्याज ही खाया जितना भी खाया, थोड़ी चीजें एडिशनल दी जैसे फ्रूट चाट वगैरह, काजू वगैरह। फ्रूट चाट भी मिला? काजू वगैरह दिए, बादाम वगैरह। इससे पहले तो किसी ट्रेन में फ्रूट चाट नहीं मिला, बट इसमें हमें वो मतलब पनीर कोफ्ता वगैरह दिया, तो काफी अच्छा लगा। दाल थोड़ी सी सही नहीं थी, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा। तो पहला दिन था वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी मोनू भाई को पता होगा चेयर कार में कैसा मिला, कंपैरिजन आपको मोनू भाई बता देंगे इसमें क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। वैसे कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, लगभग एक घंटा का समय बाकी है अभी। हाँ। पूरा फोटो मारा है ना, लंबा लंबा करके ले ले भाई। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है बिल्कुल ऑन टाइम। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई साहब, जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया रहा। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? इस ट्रेन का खाना, ओह माय गॉड, क्या ही बताएं, मतलब इतना मस्त खाना खिलाया ना वो पनीर कोफ्ता, तो भाई अब क्या ही बताएं इसके बारे में। आप ट्रैवल कीजिएगा तब आपको पता चलेगा इस ट्रेन का, चाहे चिकन करी हो, पनीर कोफ्ता हो, जो भी चीज़ दिया गया स्नैक्स वगैरह और डिनर में जो भी चीज़ दिया गया भाई साहब, सब एक नंबर था। इस ट्रेन में आप एक बार ट्रैवल कीजिए, और हमने जो आपको दिखाया है, जो बताया है, इतना जो बराई कर रहा है ना, आपको ही पता चल जाएगा इस ट्रेन का खाना कैसा है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिंदर पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। तो यहाँ पे एक अपने कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं मिले हैं, इनके चैनल का नाम है देश दुनिया देख। इनके चैनल पे जाइए और कंटेंट वॉच कीजिए। अभी 1000 सब्सक्राइबर इनका नहीं पूरा हुआ है, इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर इनका पूरा हो जाना चाहिए। जाइए प्यार दीजिए इनको। तो यहाँ पे अपने एक फैमिली मेम्बर मिले हैं, इनका नाम है चैनल का यात्री सुखदा। जाइए चैनल पे और देखिए, अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। वैसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा आपसे। ये जर्नी नहीं कर रहा अभी फिलहाल इस ट्रेन में, आप प्रॉपर दिल्ली से ही? हाँ, प्रॉपर दिल्ली से। मोनू भाई से मिलने का एक ड्रीम था जो कि आज पूरा हो गया है। रियली मतलब मैं इसी होप में आया था कि कुछ यूट्यूबर्स मुझे मिल जाए, जिस मतलब एक ड्रीम पूरा हो गया है। तो आज मिलके बहुत अच्छा लगा है मोनू भाई। ऑपरेशन में ना मिले लेकिन कमर्शियल में हम जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मोनू भाई, बहुत अच्छा लगा, आप भाई की तरह हैं हमारे।